सो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर भी बार बार एड आता है? अगर दोस्तों लाइक आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे बार बार एड आता है। जैसे लाइक दोस्तों अगर आप यूट्यूब ओपन करते हैं या फिर दोस्तों क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप ओपन करते हैं तो दोस्तों आपके मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार दोस्तों एड आता है। तो दोस्तों आप इस एड से काफ़ी दोस्तों परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हैं, क्योंकि दोस्तों जो आज मैं तरीका आपको बताने वाला हूं, दोस्तों ये तरीका आपको यूट्यूब पर हर किसी ने नहीं बताया। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ढेर वीडियो आपको मिल जाएगा इस पर, लेकिन दोस्तों जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, अगर दोस्तों आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो आप दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आने वाली सभी एड को बंद कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी डिवाइस हो, आपके पास कोई भी मोबाइल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों ये सभी मोबाइल में एक काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको दोस्तों सेटिंग को आपको ओपन करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। देन इसके बाद देखिए दोस्तों उधर देखिए गाइस ऊपर में दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा सर्च सेटिंग। दोस्तों सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहां पर आपको लिखना है एड। दोस्तों देखिए यहां पर आपको लिखना है एड्स। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर आपका आ जाएगा एड सर्विस। दोस्तों आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड देखिए गाइस यहां पर आपका होगा एड सर्विस आपको दोस्तों यहां पर चालू। दोस्तों यहां पर देखिए आपका सर्विस देखिए यहां पर होगा इनेबल। तो दोस्तों इसको आपको इसको बंद कर देना है। इसके बाद दोस्तों फिर से इधर से आपको बैक करना है। एंड दोस्तों यहां पर नीचे आपको आना है। नीचे में दोस्तों यहां पर आपका मिल जाएगा गूगल। दोस्तों सिंपली आपको यहां पर गूगल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर आपका कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर मिल जाएगा आपको एड्स। दोस्तों सिंपली आपको यहां पर एड्स पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस यहां देखिए आपका मिल जाएगा रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी। दोस्तों सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों इधर मिलेगा आपको कंफर्म, आपको सिंपली यहां पे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस यहां पर नीचे फिर से आपको मिलेगा यहां पर डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी। इसके बाद दोस्तों यहां पर सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस यहां पर मिलेगा आपको डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। एंड गाइस इसके बाद यहां पर सिंपली आपको बैक करना है। इसके बाद गाइस देखिए यहां पर मिल जाएगा आपको, फिर से मिल जाएगा आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट। दोस्तों सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों इधर में आपको मिलेगा डाटा एंड प्राइवेसी, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड गाइस इसके बाद यहां पर आपको नीचे में देखिए दोस्तों यहां पर आपको मिल जाएगा माई एड सेंटर। दोस्तों आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए गाइस यहां पर मिलेगा आपको क्रोम। दोस्तों सिंपली आपको यहां पर क्रोम पर टाइप कर देना है। देन दोस्तों यहाँ मिल जाएगा आपको पर्सनली एड। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये ऑन होगा, दोस्तों इसको आपको कर देना है ऑफ। तो दोस्तों यहाँ देखिए नीचे मिल जाएगा आपका टर्न ऑफ, सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको टर्न ऑफ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गो इट पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस इसके बाद गाइस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली गाइस यहाँ पर इसको कट कर देना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है गाइस, यहाँ पर आपको मिलेगा क्रोम ब्राउज़र। दोस्तों आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है। देन दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा थ्री डॉट, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों इधर मिलेगा आपको सेटिंग, आपको सिंपली सेटिंग पर क्लिक कर देना है। एंड गाइस इसके बाद आपको फिर से नीचे इसको करते हुए आना है। नीचे दोस्तों देखिए यहाँ पर मिल जाएगा आपको साइड सेटिंग, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों इधर में आपको मिल जाएगा पॉपअप एंड रिडायरेक्ट, दोस्तों इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर देखिए आपका ये होगा चालू। दोस्तों इसको आपको कर देना है बंद। तो दोस्तों देखिए बंद हो गया। इसके बाद दोस्तों फिर से आपको सिंपली इधर से बैक करना है। एंड गाइस देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा एड्स। दोस्तों देखिए यहाँ पर रहेगा आपका अलाउ। तो दोस्तों इस पर सिंपली क्लिक करके दोस्तों इसको भी आपको कर देना है, इसको ऑफ कर देना है। एंड गाइस फिर से इधर बैक करना है। एंड इसके बाद देखिएगा जहाँ मिलेगा आपको बैकग्राउंड साइंस, तो दोस्तों ये भी आपका रहेगा अलाउ। तो दोस्तों इसको भी आपको इसको ऑफ कर देना है। एंड गाइस फिर से बैक करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको आना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका मिल जाएगा वर्चुअल रियलिटी, दोस्तों आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये भी आपका रहेगा ऑन, तो दोस्तों इसको भी आपको ऑफ कर देना है। इसका दोस्तों फिर से बैक कर देना है। एंड इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको थर्ड पार्टी साइनिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ये भी रहेगा अलाउ, तो दोस्तों इस पर क्लिक करना है। इसको भी दोस्तों यहाँ पर आपको ऑफ कर देना है। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस यहाँ से बैक कर देना है। तो गाइज इसके बाद आपके जितना भी दोस्तों आपके स्क्रीन पे एड आते हैं गाइज सभी वो आने वाली एड दोस्तों यहाँ पर बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी को भी जरूर दबाएं, ताकि सभी आने वाली हमारी वीडियो आपको देखने के लिए इस तरह मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अब नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।